महाविकारी होने योग विकार करने वाला पुण्य के पाप का परिणाम जो होता है वो होने योग होता है, करने से प्रकट नहीं होता है, कोई करता ही नहीं है उसका। सत का कोई करने वाला होता नहीं है, सत स्वयं है, स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं देव हो जाता है। तो होने योग विकारी, विकारी होने योग, अवायोग होने योग, वो क्षणिक उपादान है। तो क्या कहा, नैमित्तिक नहीं है। पहले पुण्य पाप को नैमित्तिक मत देखो, निमित्त का लक्ष्य वाले को नैमित्तिक दिखता है, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य वाले को क्षणिक उपादान दिखते हैं। क्या कहा, पहले तो जगत में कोई निमित्त ही नहीं है ऐसा ले लो। क्या कहा, सब उपादान है, विकार उपादान है, क्षणिक उपादान के प्रकार है। निमित्त स्थापना करने से नैमित्तिक पर्याय दिखती है, और नैमित्तिक दिखती है तो उसका कर्ता मैं हूं ऐसा दिखाई देता है। क्या कहा, निमित्त का लक्ष्य से पुण्य पाप होता है, वो निमित्त है ने पुण्य पाप नैमित्तिक है, जिसको पर्याय नैमित्तिक दिखती है वो उसका ज्ञाता नहीं रह सकता है, कर्ता बन जाता है। और जिसको उदार्थ नहीं से होने योग है ऐसा जानता है उसका नाम क्षणिक उपादान है। तो क्षणिक उपादान वाला क्षणिक उपादान को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, नैमित्तिक वाला वो कर्ता का कर्म बन जाता है। सारे जगत के अंदर जिसको ज्ञान प्रकट होता है इसको आठ कर्म ज्ञेय रूप दिखता है, अज्ञानी को निमित्त रूप दिखाई देता है। ऐसे जगत में कोई एक दफे निमित्त मत देख, निमित्त देखने से नैमित्तिक राग उत्पन्न होता है और राग का कर्ता तू बन जाता है। निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक भी नहीं है, राग तो है, राग तो है, तो राग नैमित्तिक है कि क्षणिक उपादान है, कि क्षणिक उपादान। तो उपादान सशक्ति कोई करने वाला नहीं, कोई उपादान करता तो अपने आप है, समझे, उसमें कोई निमित्त की जरूरत नहीं है। पहले ये नक्की करके उतारने से पर्याय स्वतंत्र सत है, क्षणिक उपादान से देख तो कर्ता बुद्धि छूट जाती है, अकर्ता ऐसा स्वभाव में आ जाता है और ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। क्षणिक उपादान ज्ञान का ज्ञेय बनता है, कर्ता का कर्म नहीं बनता है। तो कर्ता की बात है ही नहीं है तो ज्ञाता ही स्वभाव, तो ज्ञाता के लिए ज्ञाता का ज्ञेय रखो थोड़े टाइम के लिए व्यवहार, बाकी कर्ता का कर्म है नहीं।